लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीता ने झामुमो के अध्यक्ष और अपने ससुर को एक पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री न बनाए जाने से जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीता सोरेन नाराज चल रही है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने झामुमो के अध्यक्ष और अपने ससुर शिबू सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में आदरणीय संबोधन के साथ लिखा कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव एवं विधायक हूं। आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, के निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार होते रहे। पार्टी और परिवार के सदस्यों ने हमें अलग थलग किया गया है, जो मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झामुमो पार्टी को मेरे स्वर्गीय पति ने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर बनाया था, लेकिन आज वह पार्टी नहीं रही। पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। सीता ने लिखा कि हम सभी को एकजुट रखने के लिए शिबू सोरेन अपने अथक प्रयासों के बावजूद विफल रहे। मुझे हाल ही में ज्ञात हुआ है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झामुमो और इस परिवार को छोड़ना होगा। अतः मैं पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं और आपसे निवेदन करती हूं कि मेरे इस्तीफा को स्वीकार करें। मैं आपका और पार्टी का हमेशा आभारी रहूंगी।